हेलो एवरीवन, और आप लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। और अब मैं आपको भरवा बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो वो बताऊँगी मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने इसे कट करके रख लिया है, और जो बड़े हैं उनको 4-5 बार कट कर लिया है, और छोटे हैं उनको 2 ही बार कट कर लिया है। अब मैं इसे पानी से निकाल लूँगी। इसे पानी में डालने के बाद इसका कलर, पानी का कलर है, छोड़ देता है पानी में अपना कलर। अब यहाँ मैं मसाले बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ये पीस लिया है। इसका पेस्ट हम पूरा डाल देंगे, और इसमें जो ये प्यूरी बना ली है टमाटर की, इसे भी डाल दूंगी 2-3 चम्मच, और इसे फिर ग्रेवी के लिए रख देंगे। अब इसमें हमारे मसाले जाएंगे। तो इसमें पहले जीरा डाल दूंगी, लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, मसाला है, धनिया पाउडर, हल्दी, और मैं ना यहाँ मसाला घर का बना हुआ ही डालती हूँ। मैंने घर में ही अपने इससे बनाया है। और ये मैं काली मिर्च डाल दूँगी इसमें। और फिर ये कश्मीरी लाल मिर्च, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। अब इसे हम, हाँ, इसमें अब साल्ट मिला लूँगी। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, अच्छा से इसका पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट ना इसका टाइट ही रहना चाहिए, अगर गीला होना तो फिर वो जमता नहीं बैगन में। इसलिए इसे थोड़ा टाइट ही रखेंगे। इस तरीके से इसे बना लेंगे। और अब हम इसमें भट्टों में मिलाते जाएंगे। इस तरीके से बीच में भरते जाना है, अच्छे से फिल कर लेना है। इस तरीके से इसे अब हम एक एक करके सब ऐसे ही करेंगे। ये भट्टे इतने प्यारे दिख रहे थे ना, एकदम वाइट कलर के थे, छोटे छोटे, बहुत ही सुंदर। सब्जी भी इसकी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगी थी इसकी सब्जी। बस ऐसे भर लिए। मसाले आप लोग अपने इससे डालें, जैसे आपको लगता है, आप कोई कम मिर्च का खा रहा है या कोई ज़्यादा मिर्च खा रहे हैं, अपने स्वाद अनुसार डालें मसाले। कोई तेज खाता है, कोई फीका खाता है, तो मसाले। अरे, अब ये भरने के बाद ये मसाला बच गया है ना, तो इसे मैं अब रख दूँगी। जब मैं भट्टे फ्राई करूँगी तब उसमें डाल दूँगी। और ये टमाटर भी डाल दूँगी। अब इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी, सरसों ऑयल मैंने डाला है। सरसों ऑयल में इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है।
तेल इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि हमें भट्टे पर फ्राई करने होते हैं। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। अब हम तेल गर्म होने के बाद इसमें मैं तेज पत्ता, कलौंजी, जीरा, मेथी और राई, इससे मैं तड़का लगा लूँगी। इसमें कलौंजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कलौंजी ज़रूर डालना, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, इसे हम करात भी कहते हैं। अब इसमें हम भट्टे एक एक करके डाल देंगे, ऐसे नीचे साइड से। ऐसे एक एक करके डाल देना है। और इसमें जो मैंने मसाला लिया है, जीरा, मेथी, राई और करात और ये तेज पत्ती, तो मैं अब इसे बीच में डाल दूँगी। और ये आलू जो हैं, आलू भी अब इसमें, क्योंकि बड़े बड़े कट करके रखे हैं तो आलू को मैं थोड़ी देर बाद जाऊँ डालूँगी। अब इसे हम चम्मच चला देंगे, इसे सब तरफ से भुनना है हमें, उलट पुलट करके, ताकि ये अच्छे से सेक आ जाए। और ना ये भट्टों का कलर चेंज नहीं हुआ था, वाइट ही दिख रहे थे ये भट्टे पकने के बाद भी। बस इसे इस तरीके से कर लेना है। और अब इसमें हम आलू डाल देंगे। और इसे फिर ढक के रख देंगे। और आपको मेरे ये वीडियो कैसे लग रहे ज़रूर बताइए। मैं अभी नया नया ही ये वीडियो बनाना शुरू किया है, तो अभी मुझे उतना आइडिया तो नहीं है, पर मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और सभी सुधार करते जाऊँगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और मुझे सपोर्ट करिए। अब यहाँ एक बार हमने फिर से खोल लिया है, ऐसे ही हमें दो चार बार इसे खोल खोल के इसे चम्मच चलाना है। और उसके बाद फिर हमें जो मसाला बचा है वो मसाला डाल देंगे, इसका जो पेस्ट बना के तैयार किया था ना, वो जो बच गया था वो डाल देंगे। और उसमें ये टमाटर, इसे भी डाल देंगे। और इसे फिर ऐसा चम्मच चला के, और इसमें मैं ये जो है ना हरी पत्ती, प्याज और लहसुन की है, तो इसे मैं भी डाल दूँगी, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये जो मसाले का पानी है उसे भी डाल दूँगी, ताकि मसाले हमारे अच्छे से भून जाए और भट्टे भी पक जाए। अब मैं उतने ही पानी में मैंने इसे पकाया है, देखिए ये थोड़े से आलू कड़क है, इसे पकने दूँगी। और देखो भट्टे कितने अच्छे से भून चुके हैं और मसाला भी भून चुका है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। हमने साइड में धनिया पत्ती काट के रख दी, और ये जो कसूरी मेथी है इसे भी डाल दूँगी। कसूरी मेथी का तो टेस्ट है क्या।
बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखूँगी, ऐसे ही आलू के साथ बहुत सारी रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। हम ग्रेवी भी रख सकते हैं, पर मुझे इसे टिफ़िन में भी भेजना है इसलिए मैंने नहीं रखा है। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। बाकी जो ये आलू है थोड़े से और सॉफ्ट हो जाए, इसे हम 5 मिनट अब पकने देंगे। अब इसमें मैं धनिया पत्ती डालूंगी। और इसे चला दूंगी। बस ये इस तरीके से बनेगी सब्ज़ी, ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, इससे ज़्यादा भी ग्रेवी रख सकते हैं हम। बस इसे 1 मिनट रखने दें। और ये हमारी सब्ज़ी बन के तैयार होगी। देखिए कितनी टेस्टी सब्ज़ी दिख रही है और बनी भी बहुत टेस्टी थी। आप इसी तरीके से बनाइए।